हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। और कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज मैं लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो। मैं जा रहा हूं आज ग्राम झालीवाड़ा और वहां पे साईं बाबा का वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं दिखाऊंगा कि झालीवाड़ा में वार्षिक उत्सव साईं बाबा का कैसा मनाया जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे वीडियो में और हम चलते हैं ग्राम झालीवाड़ा। तो फ्रेंड्स, अब हम पहुंच गए हैं ग्राम झालीवाड़ा और ये है ग्राम झालीवाड़ा का प्रवेश द्वार। और ये जो रोड सीधी जाती है ये तुमसर रोड है, ये रोड तुमसर जाती है। तो चलिए चलते हैं साईं बाबा के धाम ग्राम झालीवाड़ा। तो फ्रेंड्स, हम अब पहुँच गए हैं श्री साई धाम झालीवाड़ा और काफ़ी शानदार लाइटिंग लगी है यहाँ पे, काफ़ी शानदार डेकोरेशन है साईं बाबा के मंदिर में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे साईं बाबा को चढ़ाने के लिए पूजन की सामग्रियाँ मिलती है, जिसमें चादर है, नारियल है, अगरबत्तियाँ है और भी तरह तरह की सामग्रियाँ यहाँ पे साईं बाबा को चढ़ाने के लिए मिलती है, जिसमें से हम पूजन सामग्रियाँ भी ले रहे हैं।
तो फ्रेंड्स हमने भी आरती की है और बहुत अच्छा लगा। साईं बाबा की आरती करके बहुत सुकून शांति मिला मन को। और ये है यहाँ के पंडित जी, इनसे हम मंदिर के बारे में थोड़ी जानकारियाँ पूछ रहे हैं। तो पंडित जी सबसे पहले आपका नाम बताइए कि आपका नाम क्या है। मुझे ऋषि प्रसाद चौबे। और ये मंदिर कब से है यहाँ पे? सर 2009 से चालू हुआ। 2009 से। और ये वार्षिक उत्सव कैसे कब मन तक मनाया जाता है यहाँ पे? ये 13वां वार्षिक उत्सव है। हाँ, और क्या प्रोग्राम है वार्षिक उत्सव में? पहले 22 से ये शोभा यात्रा हुई यहाँ की भव्य यात्रा, उसके बाद पुराण वगैरह दिन में चालू होता है, रात में रामलीला 23 से चालू हुई। और भंडारे का एक कार्यक्रम है, 1 तारीख को भंडारा, 1 जनवरी को भंडारा है, विशाल भंडारा, और कलश यात्रा भी उस दिन विसर्जन एवं भी होगा उसी दिन 1 तारीख को 12 बजे से मतलब भंडारा होगा और शाम के 7 बजे तक है। तो पंडित जी हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने माध्यम से? अभी जो हमारा वार्षिक उत्सव चल रहा है इसमें भीड़ भड़क का प्रतिदिन चालू हो गई, 1 तारीख तक इसकी भीड़ रहेगी और भव्य कार्यक्रम ही और पुराण का दिन में पुराण का कार्यक्रम, रात में रामलीला, इसलिए ये सब भक्ता लोग आ रहे हैं और अपना लाभ उठा रहे हैं और अपने भविष्य की कामना कर रहे हैं कि हमको ये हनुमान पुराण की कथा का श्रवण दिन में मिलता है और रात में रामलीला का हमको कार्यक्रम मिलता है, इससे प्रभावित होकर लोग प्रसन्न हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हमको बहुत अच्छा लगा पंडित जी से मिलके मंदिर के बारे में जानकारी लेके। तो पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को बताने के लिए। तो फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं अपने घर और आज बहुत अच्छा लगा हमें साईं बाबा के मंदिर में जाकर के। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।